देखिए बीजेपी जो है वो एक बेशर्म झूठा पार्टी है, उसने झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा के देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया आम आदमी पार्टी को खत्म करने के उद्देश्य से और यहां पर हॉर्स ट्रेडिंग खरीद फरोख्त करने के उद्देश्य से, लेकिन वो विफल हो गए। अब केजरीवाल जी जा रहे हैं, जनता से हम प्रमाण पत्र लेकर आएंगे, ईमानदार हैं या गुनहगार हैं ये दिल्ली की जनता तय करेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि प्रचंड बहुमत से, जैसे 67 और 62 सीट लेके दो बार केजरीवाल जी जीते हैं, इसके पहले एक बार उन्होंने सरकार बनाई, 3 बार वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, इस बार भी वो प्रचंड बहुमत से जीत के आएंगे, जनता का प्रमाण पत्र लेकर आएंगे। भाजपा शासित एक राज्य बता दीजिए जहां शिक्षा फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, इलाज फ्री, उसके बावजूद मुनाफे का बजट हो। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा किया और सारे काम करके मुनाफे का बजट दिया। देखिए ऐसा है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अलग अलग तरीके से दिल्ली में होता रहा है। पहले भी लोकसभा के चुनाव में बीजेपी जीती है और ध्वस्त हुई है विधानसभा के चुनाव में, बुरी तरीके से पराजित हुई है विधानसभा के चुनाव में, तो इस बार भी वही होगा। अभी जो विधायक दल की बैठक होगी तो क्या विधायक जो चुने गए विधायक उन्हीं में से बनेगा या मंत्रियों में से बनेगा? अब देखिए ऐसा है कि विधायक दल की मीटिंग में वो फैसला होगा और वो हमारे नेता केजरीवाल जी और विधायक तय करेंगे। देखिए बीजेपी जो है वो एक बेशर्म झूठा पार्टी है, उसने झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा के देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया आम आदमी पार्टी को खत्म करने के उद्देश्य से और यहां पर हॉर्स ट्रेडिंग खरीद फरोख्त करने के उद्देश्य से, लेकिन वो विफल हो गए। अब केजरीवाल जी जा रहे हैं, जनता से हम प्रमाण पत्र लेकर आएंगे, ईमानदार हैं या गुनहगार हैं ये दिल्ली की जनता तय करेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि प्रचंड बहुमत से, जैसे 67 और 62 सीट लेके दो बार केजरीवाल जी जीते हैं, इसके पहले एक बार उन्होंने सरकार बनाई, 3 बार वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, इस बार भी वो प्रचंड बहुमत से जीत के आएंगे, जनता का प्रमाण पत्र लेकर आएंगे। भाजपा शासित एक राज्य बता दीजिए जहां शिक्षा फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, इलाज फ्री, उसके बावजूद मुनाफे का बजट हो। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा किया और सारे काम करके मुनाफे का बजट दिया। देखिए ऐसा है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अलग अलग तरीके से दिल्ली में होता रहा है। पहले भी लोकसभा के चुनाव में बीजेपी जीती है और ध्वस्त हुई है विधानसभा के चुनाव में, बुरी तरीके से पराजित हुई है विधानसभा के चुनाव में, तो इस बार भी वही होगा। अभी जो विधायक दल की बैठक होगी तो क्या विधायक जो चुने गए विधायक उन्हीं में से बनेगा या मंत्रियों में से बनेगा? अब देखिए ऐसा है कि विधायक दल की मीटिंग में वो फैसला होगा और वो हमारे नेता केजरीवाल जी और विधायक तय करेंगे।